नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईबीपीएस मास्टर की यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आपने जो फर्स्ट लेक्चर डाला था क्लर्क के लिए उसे एंजॉय किया। आज मैं सेकंड लेक्चर के साथ हूं, जिसमें 15 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। समय रहेगा सिर्फ 12 मिनट। देखिए कैसे हम स्पीड मोड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एल टू बी ऑफ रेक्टेंगल इज 7:4, यानी लेंथ अगर मैं 7x लेता हूँ तो विड्थ हो जाएगा 4x, एंड रेशियो बिटवीन ब्रिथ ऑफ रेक्टेंगल टू अ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 4:5। अब अगर मैं बोलता हूँ, बहुत ध्यान से देखिए कि 4x मेरा विड्थ है और जो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है और स्क्वायर की जो साइड है वो रेशियो है 4:5, यानी मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि स्क्वायर की जो साइड है वो है 5x। कमन, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इफ द पेरीमीटर इज 8 मीटर मोर देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसका पेरीमीटर क्या होता है? 2l + b, यानी 7 × 4 = 11, यानी ये हो जाएगा 22x इसका पेरीमीटर है। इसका पेरीमीटर क्या होता है? 4 × साइड, यानी ये हो जाएगा 20x। कितना ज़्यादा है तो आप बोलोगे 2x ज़्यादा है। ये 2x की वैल्यू कितनी है? 8, यानी x की वैल्यू कितनी है? 4। अब आपसे क्या पूछा गया? फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज l × b, दैट विल इक्वल टू नथिंग बट 7:4, दैट इज 28 × 4। दिस विल 7 × 4 = 28, x स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 × 4 करना होगा आपको। अगेन एरिया में बताता हूँ, 7x × 4x करना होगा, तो ये हो जाएगा 28x², मैंने x की वैल्यू 4 × 4 पूछ किया। 4 × 4 = 16 × 28 आप कर लो, कितना आ रहा है? 16 × 8 = 144, 16 × 2 = 32, यानी 4, 6, 4, दिस इज द राइट आंसर, 16 × 8 = 128, not 144, 16 × 9 = 144, यानी ये 8 होगा, ये 4 होगा और ये 4 होगा, यानी 448 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। सो प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 6 years ago सिखा इज 2 years मोर देन प्रेजेंट एज ऑफ दीपक, यानी अभी अगर दीपक की मैं बात करता हूँ, एक्स है, तो सिखा की एज 6 years बिफोर अगर मैं बात करूँ तो वो थी 2 years मोर, यानी x + 2, यानी सिखा की आज की एज अगर बात कीजिए प्रेजेंट एज, तो वो हो जाएगी x + 2, और प्लस वो 6 साल बढ़ेगी, यानी आज सीखा है x + 8 years की। कमऑन, इफ द रेशियो बिटवीन एज ऑफ दीपक 4 years हैंस एंड सीखा 2 years हैंस विल बी 4:5। दीपक का 4 years हैंस एज हो जाएगा x + 2, और सीखा का 2 years हैंस एज होगा, यानी 2 साल बाद, और क्या होगा? x + 8 + 2, यानी x + 10। ये रेशियो है 4 और 5 का, आप देखिए 4x 5x, और ये हो जाएगा 4x, यानी यहाँ बचा x। कैसे करेंगे? 5 × 2 = 10 एंड 4 × 10 = 40, यानी 40 − 10, दैट इज x = 30। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ दीपक, दीपक की प्रेजेंट एज कितनी है? तो दीपक की प्रेजेंट एज है 30 years। सो एक बार फिर से हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सिल्ली मिस्टेक्स हुए हैं। एक्चुअली एक बार फिर से देखते हैं, मैं इसे एडिट नहीं करूंगा, बस मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ जाए कि फ्लो में हमसे भी गलती हो सकती है, आपसे भी गलती होती है एग्जाम में। तो कम ऑन, फिर से देखते हैं। 6 years ago सिखा इज 2 years मोर देन प्रेजेंट एज ऑफ दीपक, यानी आज अगर दीपक एक्स का है तो 6 years ago जो सिखा होगी वो x + 2, यानी 2 years ज़्यादा थी 6 साल पहले, यानी आज सिखा हो जाएगी x + 2 + 6, यानी x + 8 years की। अब अगर मैं बात करता हूँ, द रेशियो बिटवीन दीपक 4 years हैंस, यानी दीपक का 4 साल बाद x + 4, सिखा 2 years हैंस, सिखा 2 साल बाद, यानी x + 10, विल इक्वल टू 4/5, यानी देखिए 5x। गलती क्या हुई थी मैं बता रहा हूँ, हमने उस समय 5 × 2 = 10 ले लिए थे। 5x + 20 इज इक्वल टू 4x + 40, यानी 5x − 4x, दैट इज x विल इक्वल टू 20। तो इस कारण से हमारा 30 आया था, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, आप उसे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी पी ऑफ आर्टिकल इज 60% मोर देन एस पी ऑफ अनदर आर्टिकल बी, यानी अगर मैं बात करता हूँ तो बी की एस पी जो है, अगर मैं 100x लेता हूँ तो ए का सी पी जो है वो है 160x। क्लियर है? अब आगे देखिए, बी डिस्काउंट अलाउड ऑन बी इज 20% एंड आर्टिकल ए सोल्ड ऑन 25% प्रॉफिट। अगर इसे 25% प्रॉफिट पे बेचा गया, यानी 25% का मतलब 1/4, यानी जो सेलिंग प्राइस होगी वो होगी 5/4 ऑफ 160, दैट इज इक्वल टू 200x ए की सेलिंग प्राइस। अब देखिए क्या बोला गया कि डिस्काउंट अलाउड ऑन आर्टिकल बी इज 20%, बी पे परसेंटेज डिस्काउंट कितना है तो 20% का है।
अब यहाँ पे आप क्वेश्चंस को देखिए, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ बी एट विच, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ बी एट विच परसेंट लेस देन सेलिंग प्राइस ऑफ ए, देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ बी, अगेन क्वेश्चन, देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज व्हाट परसेंट लेस देन सेलिंग प्राइस आर्टिकल ए। अब यहाँ पे देखिए, अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये जो है 100 क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, इस पर कितना डिस्काउंट दिया गया, 20% दिया गया। यानी अगर मैं बात करता हूँ कि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे देते हैं, आप बात को बहुत प्यार से समझना। अगर मैं बोला कि 100 रुपी एमआरपी है और मैं 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, 20 रुपये माफ़ कर रहा हूँ, तो एक्चुअल मैं ले कितना रहा हूँ, 80 रुपीज़ दे रहा हूँ, यानी 80% ले रहा हूँ। तो ये 80% क्या है, 100 के इक्वल है। तो 80% अगर मैं बोलूँ 100 के इक्वल है, तो 100% किसके इक्वल होगा, जो एमआरपी है यानी जो मार्क प्राइस है वो होगा 100/80 × 100। तो आप इसे देख लो, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = अगेन, इसे हम फिर से थोड़ा सा इरेज करके यहाँ से हम बनाएंगे। आपको उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ क्या होगा कि डिस्काउंट परसेंट का कंसेप्ट कैसे हमने अप्लाई किए। तो ये चीज़ों को आप ध्यान में रखना कि डिस्काउंट परसेंट आप अप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों। चलिए अब यहाँ से अगर देखा जाए तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि अब यहाँ पे क्या है, जो 80% जो हमने लिए वो इक्वल है किसके, 100 रुपीज़ के, 100x के, यानी 1% विल इक्वल टू 100x/80 एंड 100% दैट इज एमआरपी विल इक्वल टू 100x/80 × 100। 0 से 0 कैंसिल, 4 × 2 = 8 एंड ये हो जाएगा 25 एंड 2 × 5 = यानी ये हो गया 125 क्या है, ये एमआरपी है किसकी, आर्टिकल बी की। आपसे पूछा गया एमआरपी ऑफ आर्टिकल बी इज व्हाट परसेंट लेस देन एसपी ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ए, सेलिंग प्राइस ऑफ ए क्या है, 200, ये कितना है 125, कितना कम है 75% पूछा है, डिवाइड बाय 200 यानी 37.5% लेस। तो ये क्वेश्चंस आपको ट्विस्ट किए जाएंगे, हालांकि इससे इजी क्वेश्चंस आपको क्लर्क में दिखने मिलेंगे। अब क्वेश्चन देखिए, द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू डाउन स्ट्रीम इज 3x, यानी अगर मैं बोलूँ स्टिल वाटर में x होता है तो x की वैल्यू 3x लो, और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, x प्लस y होता है, ये है 4x, यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि y की वैल्यू है x, x की वैल्यू 3x है और y की वैल्यू क्या है, x है, x प्लस y हम जो करते हैं, वेयर x इज़ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, y इज़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। होप करता हूँ यहाँ तक आपको समझ गया होगा। अगला कुछ पार्ट है, बोट टेक 1 hour 40 minutes मोर टू कवर 80 km स्टिल वाटर देन इन डाउन स्ट्रीम, यानी 1 hour 40 minutes ज़्यादा लेता है जब वो डाउन स्ट्रीम में कवर करता है। यानी अगर मैं बोला कि x किलोमीटर मुझे जाना है, 1 किलोमीटर जाना है, फिर d किलोमीटर जाना है, बार बार x नहीं लेंगे, तो अगर मैं डाउन स्ट्रीम में जाता हूँ तो मेरी स्पीड होगी x प्लस y, दैट इज़ 4x स्पीड होगी, और यही स्पीड अगर यही डिस्टेंस मैं स्टील वाटर में कवर करता हूँ तो उस समय मेरी स्पीड थी 3x थी। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि यहाँ पे 80 किलोमीटर वो जा रहा था, तो 80 किलोमीटर यानी यहाँ पे d की वैल्यू एग्जैक्टली गिवन क्या थी, तो d की वैल्यू 80 गिवन थी, 80 बाय 4x माइनस 80 बाय 3x, और ये टाइम कितना था 1 hour 40 minutes। 1 hour को आप रहने दो, 40 मिनट को आप 2/3 लिख सकते हो, यानी 1 2/3, 3 1 = 3 एंड 2 5/3 आप कर सकते हो। LCM अगर आप लेते हो ये हो जाएगा 12x, 4 3 = यानी 83 = 240 माइनस 3 4 = 8 4 = 320 और ये वैल्यू हो जाएगी 5/3। जब आप इक्वेशन को आप इसे सॉल्व करोगे यानी 80x, हालांकि यहाँ पे जो समय लगेगा वो ज़्यादा है स्टील वाटर में, तो 80x माइनस 3x करना था, तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको मिलेगा 80/12x = क्योंकि यहाँ से मिलेगा 80 और नीचे है 12x = 5/3। मैं इक्वेशन ये फिर से लिखता हूँ, 80/12x यानी 80/12x = 5/3। अगर मैं बोलता हूँ 3 4 = 20, 4 2 = यानी एक्स की वैल्यू क्या आई है 80/12x। अब आप ध्यान से देखो, मैं आपको यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है 80/12x = 5/3, दो तरीके हैं, या तो 8 3 = 240 ले लो, 12 5 = 60x ले लो, तो एक्स की वैल्यू क्लियर कट आपको दिख रही है 64 = 240। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर डिस्टेंस इन 36 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम में कितना लगेगा, अप स्ट्रीम में डिस्टेंस होता है x माइनस y, और x माइनस y यानी y की वैल्यू भी क्या थी, x के बराबर थी, ये चीज़ आपको पता है, और
हमने जो x लिए थे जो उसकी स्पीड जो स्टील वाटर में थे वो हमने 3x लिए थे, यानी बोट की स्पीड स्टील वाटर में कितना हो गई, तो आप बोलोगे 12, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 4, तो x माइनस वाई जो आप स्ट्रीम स्पीड है ये हो गया 8, 12 माइनस 4, और हमें कितना डिस्टेंस कवर करना 36, यानी अगर इसे आप सॉल्व करते हो तो कितना आएगा दोस्तों 2/9, दैट इज़ 4.5 आर। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, आप ऐसे क्वेश्चन जब भी बनाओगे देखना बनाना कैसे बनाना, ये रॉन्ग नंबर सीरीज है दोस्तों, ये मैं डिस्कस नहीं करूँगा, आपको इसे कमेंट सेक्शन में ये करना है, कमेंट करना है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे आपको गैप 1 है, यहाँ पे गैप 5 है, यहाँ पे गैप जो है वो 25 है, तो 1, 5, 25 है, यहाँ पे गैप अगेन 25 है, तो आप इसे डिस्कस करोगे, सारे कमेंट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताओगे। ये 5 रॉन्ग नंबर सीरीज की आप स्क्रीनशॉट लोगे दोस्तों और इसे कमेंट सेक्शन में बताओगे। दिस वन 3rd एंड दिस वन 4th एंड दिस वन 5th। अगर ये नहीं बने तो मैं अगली सी एक रॉन्ग नंबर और रॉन्ग नंबर सीरीज की सीरीज ला रहा हूँ, जिसमें लगभग हम 200 क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे उन्हें सॉल्व किया जाएगा। सो प्रोसेस करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाओगे, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के पहले आप देखना है क्या है 42, यानी क्लियर बात है 7 और 6 होगा, यानी -7 और -6। क्यों? क्योंकि देखा जाए 7 और 6 होगा 42, अगर आप लिखोगे तो 7x और 6x होगा, यानी इसके दो फैक्टर हुए -7 और -6। आपको मैं फिर से एक बार बताता हूँ, ये बात आप ध्यान रखना कि अगर मैं 42x लेता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6x प्लस 42, यानी इसके दो फैक्टर क्या हैं 7, 6 हो सकते हैं, और हमें ऐसा करना पड़ता है कि हम इन दोनों को प्लस करके या माइनस करके, अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन थे 13x लाना होता है, तो यानी 7 में 6 आप ऐड करोगे तो 13 होगा, इसका आपको उल्टा लेना है, यानी -7 और -6 ये दो फैक्टर हो गए ऊपर के, नीचे के 30, अगेन 6 प्लस 5 किए तो 11 हो गया। अब इसको आप रिवर्स कर लो, यानी अपोजिट कर लो -6 और -5। अब ध्यान से देखो तो x इक्वल है y के, कंपेयर करने में प्रॉब्लम आता है तो आपको बताता हूँ, इतना जब आप कर चुके हो तो पेपर में 10 सेकंड और ज़्यादा दे दो और श्योर शॉट एक मार्क ले लो, कुछ मत करो, -6 -6 -5 -5 लिखो, -7 -6 -7 -6 लिखो। देखो -6 ग्रेटर है, -6 यहाँ इक्वल है, -5 ग्रेटर है और ये ग्रेटर है, यानी सिंबल क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू, आपको मार्क करना है ग्रेटर देन इक्वल टू। ये प्रोसेस हमें आसान लगती है, कभी कभी हम जल्दीबाजी में गलती कर लेते हैं और एक मार्क हमारा चला जाता है। देखिए -90 आपको पहुंचना है 9 पे, तो 90 से 9 तक पहुंचने का अगर देखा जाए तो क्या तरीका है, तो दो तरीका है, एक तो 10:9 90 होता है, एक 15:6 19 होता है। 15 और 6 को आप प्लस माइनस करके 9 पहुँच सकते हो, कैसे, अगर आपने -15 में 6 को ऐड कर दिए तो -9 हो जाएगा। अब इसके अपोजिट करना है साइन, यानी 15 और इसका करना है -6, इसके फैक्टर मिले 15 और -6, इसके देखते हैं 48 पहुंचने के क्या तरीके हैं, 8, 6, 48, यानी -8 और -6। अब अगेन देखो यहाँ पे क्लियर है कि माइनस दोनों है तो माइनस है तो ये बड़ा ही है, -6 जो है ये इसके इक्वल भी है, तो यानी आप बोल सकते हो कि y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करना है दोस्तों। यहाँ पे अगेन मैं बोलूँ 15 और ये है 4, 15 4 60, यानी ये हो जाएगा -10 और -6 और डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज़ डिवाइड बाय 4, यानी -5/2 और यहाँ होगा -3/2। ये चीज़ आप ध्यान रखना, कभी भी कभी कन्फ्यूज़न होता है तो आप इसे कन्वर्ट कर लो डेसिमल में, -2.5 ये होगा -1.5, डेसिमल में कन्वर्ट करने से बेनिफिट होता है कि हमें कैलकुलेशन ईजी जाती है। ये देखिए 3 1 3, यानी आपको करना होगा 3 + 1 4, -3 - 1 divided by 3, यानी -1 और ये हो जाएगा -1/3, यानी -0.33। अब ध्यान से देखो -0.33 और ये है -25, यानी -25 इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, लेकिन ये -1.5 है, तो -1.5 जो है -0.33 से छोटा है लेकिन -1 से बड़ा है, यानी आप बोल सकते हो कि यहाँ पर रिलेशनशिप जो है कैन नॉट बी डिटरमाइंड आना चाहिए। सो ये जो दो क्वेश्चंस बचे, अगेन आप इसके सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस खुद से करोगे और कमेंट सेक्शन में इसे पोस्ट करोगे दोस्तों। सो एक और जो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, क्या क्वेश्चंस है, ये चीज़ों को हम ध्यान देते हैं कि क्या क्वेश्चन है। रेशियो पी एज 4 ईयर हैंस एंड क्यू एज 2 ईयर अगो इज 4:5, यानी पी जो है 4 ईयर हैंस यानी पी प्लस 4 और क्यू जो है 2 ईयर अगो यानी क्यू माइनस 2, ये रेशियो है 4/5 का, तो 5p + 20
ये हो जाएगा 4q माइनस 8, यानी ये हो जाएगा 5p माइनस 4q इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 20, यानी माइनस हो जाएगा 28। आप बोल सकते हो 4q माइनस 5p इज इक्वल टू 28। ये हुआ पहला हमारा तरीका। दूसरा, एंड एवरेज ऑफ देयर, एंड एवरेज ऑफ देयर जो गिवन है, एवरेज ऑफ देयर थ्री ईयर, देयर एज थ्री ईयर अगो इज 23। तीन साल पहले उनके जो एज का एवरेज था वो कितना था, 23 था। यानी आज अगर आपने अज्यूम किए कि पी की एज अगर आप एक्स मानते हो और क्यू की एज अगर आप वाई मानते हो, तो पी की एज 4 ईयर हैंस यानी एक्स प्लस 4 और क्यू की एज 2 ईयर अगो यानी वाई माइनस 2, तो ये है 4/5 पहला इक्वेशन जो हमें बन रहा था 4/5। और एज 3 ईयर अगो यानी अगर बोला जाए तो एक्स माइनस 3, मैं आपके लिए दूसरा पेन यूज़ करता हूँ, एक्स माइनस 3 3 ईयर अगो एंड प्लस y माइनस 3, इनका एवरेज 23, यानी अगर इनका सम करोगे तो ये होगा 20 × 3 × 2 दैट इज 46, यानी x प्लस y इज इक्वल टू 46 प्लस 6 दैट इज 52। तो आपको दो इक्वेशंस मिलेंगे, दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, इजीली आपको आंसर मिल जाएंगे। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। ये क्वेश्चंस को आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करोगे। हालांकि आज के क्वेश्चन थोड़े से लेने थे, क्लर्क लेवल से ऊपर के थे, बट ऐसे क्वेश्चन सर आपको प्रिपेयर रहना होगा और कोशिश करना होगा कि आपके पास जितना वक्त है करते जाओ। मैं बीच बीच में सेशन लाता रहूँगा और बहुत जल्दी हम टॉपिक वाइज स्टडी भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लेक्चर को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा होगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।